तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का दिन स्टार्ट करते हैं एक न्यू प्लांट के साथ। सब काम खत्म सुबह से, और आज का बनाते हैं, चलो बनाते हैं ठंडाई। ठंडाई तो नॉर्मली होली में बहुत बनाया जाता है, तो इसीलिए ठंडाई तो बनना बनता ही है। और ये देखो सुबह से मैंने कुछ नहीं कर पाया क्योंकि आज स्कूटी ने दे दिया धोखा। तो सुबह निवन को छोड़ के आके सोम ऑफिस गए और फिर मैं निकल गई स्कूटी ठीक कराने, और वहाँ पे मुझे बहुत लेट हो गया। और फिर आके फिर निवान को लाना था खा पी के। अब भी जस्ट मैं जा रही हूँ, फ्री हुई हूँ, तो अभी चलो बनाते हैं झटपट से क्या ठंडाई। ठंडाई तो ये मैंने पूरा रात को ही सब कुछ भिगा लिया था। ये मैंने आलमंड लिया है लाइक 1 टेबल स्पून, फिर उसके बाद कैसियो नट 1 टेबल स्पून, पिस्तेचियो 1 टेबल स्पून, एंड पॉपी सीड्स 1 टेबल स्पून, एंड ये वाटरमेलन सीड्स 1 टेबल स्पून, और ये ब्लैक पेपरकॉर्न्स 1/2 टेबल स्पून, और ये 2 इलायची का निकला हुआ ग्रीन इलायची है उसका मैंने दाना निकाल लिया है, और फिर ये सौंफ फेनल सीड 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा केसर। तो बस ये सबको लेके इसमें थोड़ा सा वार्म वाटर डालना है, और फिर इसको भिगा के, मैंने पूरा रात भर के लिए इसको भिगा के छोड़ दिया था, और फिर उसको अभी सुबह इसका बनाएंगे पेस्ट। तो ये रहा, ये सारा को मैंने रात भर जो सोक किया था, और अभी इसका बनाते हैं पेस्ट। और इसका पेस्ट के लिए पहले सब कुछ यहाँ पे डाल देंगे, और जो पानी हम लोगों ने उसमें डाला था उसी को ही यूज़ करेंगे पूरा, तो इसीलिए ज़्यादा पानी देके उसको सोक नहीं करना है। और फिर इसका बहुत ही पूरा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। और अगर आपका पेस्ट मतलब मिक्सी उतना पावरफुल नहीं है, अगर होता नहीं है पेस्ट अच्छे से, तो आप उसको स्ट्रेट कर लो। एक बार पेस्ट करने के बाद उसको आप स्ट्रेन कर लो, फिर वो जितना भी पूरा स्मूथ सा पेस्ट होगा वो नीचे स्ट्रेन होकर निकल जाएगा। ये आप देख सकते हो कैसा कंसिस्टेंसी है इसका, तो बस ऐसे ही चाहिए, नहीं तो फिर मुंह में लगती है। तो इससे अच्छा है आप स्ट्रेन कर लो, या तो फिर ऐसे अच्छे से पेस्ट बनाना होगा। और फिर मैंने ये सारा निकाल दिया है, बाकी का जितना मुझे अभी यूज़ नहीं करना है। और लाइक 2 टेबल स्पून जैसा मैंने रखा है उसके जार के अंदर, और क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। जितना काज करते करते आप क्लीन करते रहोगे तो किचन उतना साफ़ रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है ये दूध। ये दूध को मैंने ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है रात में अच्छे से कम 1 पैकेट दूध था, उसको मैंने 1/2 पैकेट जैसे बनाया है बॉईल करके, और फिर उसको डाल दिया, थोड़ा सा पानी ऐड किया और शुगर ऐड किया, और इसको अब मिक्सी में थोड़ा देर के लिए कर लें, घुमा लेंगे, और बस रेडी हो गई है अपनी ठंडाई। और ये मैंने प्लेन वाली ठंडाई बनाई है, आप अगर चाहो, आजकल तो बहुत कुछ वैरायटी के लोग बनाते हैं तो वैसा आप बना सकते हो, बट मुझे ऐसे ही प्लेन पसंद आता है तो इसलिए मैंने प्लेन ही बनाया है। और ये ठंडा ठंडा सही में बहुत अच्छा लगता है पीने में। और बस मैंने ऊपर और कुछ भी नहीं डाला, थोड़ा सा बस केसर दिया है, और अपनी ठंडाई है रेडी। तो
मन गई अपनी ठंडाई और आज टेस्टिंग करेगा निभान। भाई ट्राई करो। अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा, बट इसमें क्या डाले वो मजा आएगा। इसमें इसमें बहुत कुछ डाला है बेटा, ये पियोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ बताओ। अच्छा लगा तुमको तो पियो। रुको मैं अभी अब स्लाइम के साथ खेल रहा हूँ बट। हाँ तो पी लो पहले। तो आज निबान ने रिव्यू दिया, अच्छा बना है तो थैंक यू। 100 out of 10। ठीक है तो ठीक है, ऑब्वियसली ठंडाई तो नॉर्मल होता है, वो तो होली में बनता ही है। उसको ठीक टाइम पे भिगा के पीसने से वो पूरा मस्त सब पूरा अच्छे से पेस्ट हो जाता है। अगर वो पेस्ट सही से हुआ नहीं तो उसको आप स्ट्रेन कर लो छलनी में और आराम से उसके बाद आप बनाओ तो भी वो बेस्ट है। बट ज़्यादा देर भिगा के करो तो आपको स्ट्रेन भी नहीं करना पड़ेगा और आपका अच्छा बन जाएगा। तो चलो बनाओ होली पे, और ठंडाई तो सबके यहाँ पे बनता ही है। मैं कभी कभी बनाती हूँ होली पे, हमेशा तो नहीं बनता है, हमेशा तो और भी ड्रिंक्स होते हैं। तो बट इस बार शायद ठंडाई बने क्योंकि हम लोगों की छूट गई है पूरा पूरी, हम लोगों ने बंद कर दिया है फिलहाल। लास्ट 6 मंथ से हम लोगों का बंद है तो देखते हैं और कितना दिन बंद रहता है, और नहीं तो होली में तो बहुत मज़ा आता है। तो चलो सब लोग मज़े करो विथ कॉकटेल्स मॉकटेल्स एंड एवरीथिंग। चलो फिर मिलती हूँ कल 5th number एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बाय। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।